प्लीज़ इस वीडियो को अकेले ही देखें वरना पीछे से चप्पल जूते लात घूंसे कुछ भी पड़ सकते हैं। और अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दें। तो यारो देखो, 18 प्लस मूवीज़ को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमें 18 प्लस मूवीज़ में सिर्फ वही सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो ऑडियंस देखना पसंद करती है या जो देखना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सभी मूवीज़ की अपनी एक यूनिकनेस है, अपनी एक स्टोरी लाइन है। वैसे ही कुछ 5 मूवीज़ जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जो 18 प्लस तो हैं लेकिन उन सभी मूवीज़ की अपनी एक यूनिक स्टोरी लाइन है। हर मूवी की अलग स्टोरी है। हर मूवी पे अगर आप घुसोगे, अंदर फील करोगे उसके कैरेक्टर को, तो आपको समझ आएगा कि उसकी स्टोरी में कितना दम है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो और मेरे इस एफर्ट के लिए, एक छोटे से एफर्ट के लिए, एक वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यारो नंबर 1 पर है 2018 की 5.3 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है कॉमेडी ड्रामा डग बटर। दो प्यार में धोखा खाई हुई औरतें जिन्हें किस्मत एक दूसरे से मिलाती है, डिसाइड करती हैं कि 24 घंटे वो आपस में स्पेंड करेंगी हैविंग गुटुरगु। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर रहता है। एक दूसरे के साथ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं जाती हैं और फिर क्या होता है ये तो आप मूवी देखने पर जान ही जाओगे। तो यारो नंबर 2 पर है 2018 की ये हॉरर मिस्ट्री 1.5 घंटे की मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है कैम। ये मूवी आपको 1.5 घंटे में वो सभी चीज़ें दिखा देगी जो कि आप देखना पसंद करोगे। एक और मूवी विद अ यूनिक स्टोरी लाइन, कहानी एक कैम गर्ल की जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ प्लान चल रहा होता है, अनटिल उसके साथ एक अजीबोगरीब हादसा नहीं होता है। एक उसी की तरह दिखने वाली दूसरी लड़की जो कि उसका चैनल टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद चीज़ें थोड़ी डरावनी होने लगती हैं। तभी तो इस मूवी का जॉनर है हॉरर मिस्ट्री। आप अगर इस मूवी को पूरा देखोगे तो आपको एक यूनिकनेस फील होगी इस मूवी की स्टोरी लाइन में और आपको ज़रूर से मज़ा भी आएगा। तो यारो नंबर 3 पर 2017 की है रोमांस ड्रामा 6.3 IMDb रेटिंग के साथ 2 घंटे की मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है न्यूनेस, जो कि हमें इंटरनेट की ताकत दिखाएगी। इस मूवी में भी आपको एक यूनिक स्टोरी लाइन दिखेगी और इस वीडियो के सारी मूवीज़ में वैसे आपको यूनिक स्टोरी लाइन दिखेगी क्योंकि मैंने वो सिलेक्ट की है आप सभी के लिए। तो आपको इस मूवी में इंटरनेट का प्यार देखने को मिलेगा, कैसे दो लॉस एंजलिस के लड़का और लड़की, मतलब बंदे, लव बर्ड्स भी कह सकते हो, वो मिलते हैं और उनमें प्यार जनरेट होता है जो कि फिर यारो एक अलग लेवल पर चले जाता है और वो लेवल देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यारो नंबर 4 पर है 2019 की ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ रोमांस ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है एलिसा एंड मार्सेला। कहानी दो लड़कियों की 1885 में जो कि मिलती हैं और एक गहरी दोस्ती पनप जाती है दोनों के बीच में और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन डर की वजह से वो एक दूसरे से छुपाए रखती हैं वो बात। फिर 1901 में एलिसा अपने आप को एक मेल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है मार्सेला से शादी करने के लिए, लेकिन इस बीच उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा ज़रूर से। तो यारो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6.3 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हॉरर कॉमेडी 2017 की ये मूवी द बेबी सिटर। यारो देखो, इस मूवी के बारे में मैं आपको ज़्यादा तो स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस इतना बता दूं कहानी एक बेबी सिटर की है जो कि एक्चुअली में एक बेबी सिटर नहीं रहती है, जो कि एक साइकोपैथ रहती है, जो कि एक हॉरर स्टोरी में आगे जाकर तब्दील हो जाती है ये मूवी। और आपको इस मूवी में बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारा बवाल, बहुत सारा भसड़ देखने को मिलेगा और बहुत सारी भागम भाग भी देखने को मिलेगी। तो आप इस मूवी को ज़रूर से चेकआउट करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।